कानपुर तिलक हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कानपुर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने बताया कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एक अवसर लाई है, जिसमें 16 से 22 वर्ष के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। 13 और 14 सितंबर 2020 को ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। आपको बता दें कि पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार लैपटॉप, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फोन और तृतीय पुरस्कार टैब दिया जाएगा। देश की जो रीढ़ होते हैं वो देश के युवा छात्र होते हैं। हम उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनमें ऊर्जा हो, देश के प्रति लगाव हो और देश आगे बढ़े, तो उस संबंध में राजीव गांधी की जयंती पर हमने इस आयोजन का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे और जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय जो भी होंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। आज जो प्रतियोगिता हो रही है, द्वितीय प्रतियोगिता है, ये राजीव गांधी सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता पिछली बार हो गई थी, जिसमें लगभग 5 लाख युवाओं ने इसमें भाग लिया था, और इस वर्ष भी अब तक 2 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्टर करा रखा है। और इसमें जो पुरस्कार मिलेगा, जो प्रथम द्वितीय तृतीय विजेता आएंगे उनको पहला पुरस्कार लैपटॉप, दूसरा मोबाइल और तीसरा जो है टैबलेट मिलेगा। क्वेश्चन करते चले जाएँ करते रहे रहेंगे जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़ते रहें और सामान्य ज्ञान इनका बढ़ता चला जाए। ये हमने जो है राजीव गांधी की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन के लिए यात्रा में सभी छात्रों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता की गई है, उसी की कड़ी में उन्होंने ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसके तहत वो मनरेगा और आर्थिक नीति, इन सब नीतियों पर चल करके सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 16 से 22 वर्ष के छात्र और छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं।